तो अभी मैं आई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं पर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से हैं और सबके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं और सबके कलर भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा आज के वीडियो में आपको बहुत सारे कपड़े देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं। तो बस ईद आने में कुछ ही दिन रह गए हैं और बहुत सारे लोगों की शॉपिंग हो चुकी होगी और कुछ लोगों की हो रही होगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी शॉपिंग हमेशा ही रमज़ान के पहले ही हो जाती है ईद की, और मैं रमज़ान में बहुत कम बाहर निकलती हूं। और अभी तो बस ग्रॉसरी करना था, लेकिन काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी, तो आज थोड़ा सा घूम के देखने का प्लान था और साथ ही साथ आपको भी दिखाना था। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा लग रहा है, दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा नहीं है, सूट बहुत प्यारा लगा। व्हाइट कलर का दुपट्टा रोशन बाग से ले लेना, बहुत प्यारा लगेगा ये सूट पे। प्यारा है ना। क्या प्राइस, क्या दिखाओ। 13,600। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कलर से नहीं जा रहा। जा रहा है, अभी इतना भी नहीं कि हाँ रख दो। इसके साथ दुपट्टा भी है पिंक वाले के साथ, प्यारा है, होगा भी 5-5, 6-6 हज़ार का। ये कॉटन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। किस प्राइस का है ये? 5,900। तो ये थे बीबा के सूट, और ये ब्रांड बहुत अच्छा होता है। इसके जो मटेरियल होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। वैसे मैं तो डब्लू और वेशफुल यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे बीबा के जो कपड़े का मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप नॉर्मल डेज में कपड़े पहनते हैं ना, उस टाइप के उसके मटेरियल होते हैं। और ये ओरेलिया, और ये भी बहुत अच्छा ब्रांड होता है। जितने भी इस रो में सूट टंगे थे, सब बहुत अच्छे थे और सबके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ये वाला सूट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके साथ जो दुपट्टा था वो भी बहुत प्यारा था, और जब सूट के साथ दुपट्टा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन इसके अलावा अगर कुर्ती की आस्तीन पूरी रहती है तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कपड़ों का लुक तभी आता है जब आपका पूरा हाथ बंद होता है। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वैसे ही मेरा फेवरेट कलर वाइट ही है। और यहाँ पर इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि आपको छूने से और देखने से कपड़ों के प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है। तो जो भी ब्रांड होते हैं वो आपको महंगे ही देते हैं, लेकिन मटेरियल अच्छा होता है, कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और सालों साल आप पहनते रहते हैं, पुराने नहीं होते। लेकिन जब भी आपको ब्रांड के कपड़े चाहिए तो हमेशा कोशिश करिए कि आप ऑफ़र में ही ले लें। लेकिन जब तक आस्तीन नहीं रहती ना, अच्छा नहीं लगता। 5,000 का भी तो कोई ऑफर नहीं है ना। ये भी अच्छा लग रहा है, येलो वाला पसंद आया ना, मुझे पसंद आया था। ये भी अच्छा है, व्हाइट वाला ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा था वो वाला। इसकी आस्तीन तो अच्छी है। ये तुम्हारा है नहीं वो वाला, ईद वाला ऐसा नहीं है ना, लगभग उसी तरह। ब्लैक के साथ कुछ और नहीं है, इसके साथ कुछ और भी है दुपट्टा, इसकी तरह होना चाहिए जैसे इसके साथ भी दुपट्टा है ना। वाओ, क्या प्राइस है दिखाना। ब्लैक भी है, सुन अमित इसका प्राइस एक बार दिखाओ, दिखाना ब्लैक वाला भी दिखाना, ऐसे तीनों साइड में रख के दिखाओ। इधर ब्लैक वाला टांग दो, रुकी रहो अमानत, ये शायद वो दिखाएंगे। ब्लैक वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है, प्लस दुपट्टा थोड़ा महंगा है, लेकिन ये ऑफर के बाद 3.5 पे पहुंच जाएगा ना। जब ऑफर तुम ऐसे करो ना, माना हो सकता है ना आया मैं, क्योंकि नए कलेक्शन है ना।
और ये तीनों सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, खासकर ब्लैक और ब्लू वाला। और मैं लगातार कोशिश यही कर रही थी कि कोई ऑफ़र नज़र आ जाए, लेकिन ऑफ़र का टाइम अभी नहीं है। आपको ऑफ़र हमेशा जनवरी और जून में मिलता है, लेकिन अभी अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन जो न्यू कलेक्शन है उसमें आपको कोई भी ऑफ़र नहीं मिलेगा। और अगर अभी आपको कोई सूट पसंद आया हो तो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये वाली रो भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और इसको जब आप टच करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी बेडशीट के भी ऑप्शन मिलेंगे, और इस रो में आपको कुशन भी मिल जाएगा, और कुछ घर के जो डेकोरेशन के आइटम होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी आप तभी लीजिए जब ऑफ़र आए, और इन सारे सामान पर भी आपको जून और जनवरी में जो है ऑफ़र मिल जाता है। और इसके अलावा भी आपको ये सारी चीज़ें वेस्ट मॉल के अंदर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई हूँ। तो ईद के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगी वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ के सामान मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, खासकर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे वहाँ की एक वीडियो मैंने डाली है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखी भी है, तो आगे कोशिश करूंगी कि जल्दी ही जाऊँ और जो भी वहाँ पर सामान आया उसको आपको दोबारा दिखाऊँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुशन, और ये कुशन बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, कलर बहुत अच्छे थे सबके। और आपको अगर सोफ़े पे इसको रखना हो, अगर आपका सोफ़ा प्लेन हो, तो आप इस तरीके से जो मतलब प्रिंटेड होते हैं कुशन उसको रख सकते हैं, तब आपका थोड़ा सा सोफ़ा हाईलाइट होता है। जैसे ये नीचे रखे हुए, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, हालाँकि बहुत ही कॉमन था, लेकिन इसमें लेस लगा हुआ था तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और धुलने के बाद मुझे लगता है कि इसका कपड़ा थोड़ा सा जो है चेंज होगा, क्योंकि ये मतलब मटेरियल थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और प्यारा था। और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसको भी आप दोनों को कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं सोफ़े पर। तो वैसे सोफ़े के अलावा आप कुशन को बेड पर भी रख सकते हैं, या आपके घर में कोई कॉर्नर खाली हो वहाँ पर भी आप इसको फ्लावर पॉट के साथ रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो चलिए यहाँ पर अभी ज्वेलरी देख लेते हैं। तो ज्वेलरी यहाँ से मैं कभी नहीं लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने लिया है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसको बहुत आपको संभालना पड़ता है, खासकर आपको पानी से ज़्यादा बचाना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी आप अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं और पानी में अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपका ये पॉलिश उतर जाएगा और फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। वैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो भी कलर इसका ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें इसकी केयर करने की तो ये बच भी सकता है। वैसे मोस्टली आप इसको देखेंगे ना तो इसका कलर ख़राब हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पर आपको ये कह के दिया जाता है कि पानी में यूज़ करेंगे तो नहीं ख़राब होगा, लेकिन ख़राब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उसको पानी से बचाएं, जब भी आप उसको पहनें तो उतार के अच्छे से कॉटन में लपेट के रखें, तब आप जो है उसको काफ़ी दिनों तक सेफ़ रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप संभाल के उसको रखते हैं ना तो उसकी लाइफ थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी देख लेते हैं। और मैं आज पूरा सोच के आई थी कि काफ़ी देर तक मुझे यहाँ मॉल के अंदर रहना है, वैसे मॉल मुझे बहुत पसंद आता है, और ऐसा लगता है ना कि ऐसा ही घर है, एकदम क्लीन, एकदम साफ और बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे से कपड़े थे ना बच्चों के, और मैंने ना अमानत को कभी भी ज़्यादा लड़कियों के कपड़े नहीं पहनाए थे बचपन में, हालांकि मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बस अमानत जो है टी शर्ट लोअर पहनती थी ज़्यादा, लेकिन अभी भी मैं बच्चों के कपड़े देखती हूँ। और वैसे भी मेरी आदत है ना, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी चाहिए होती है ना, मैं फिर भी उसको देखती हूँ, क्योंकि मुझे सामान बहुत अच्छे लगते हैं, वो कोई भी सामान हो, घर के सामान हो या कपड़े हो, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई खूबसूरत चीज़ है ना तो मैं उसकी तरफ अपने आप खींचते हुए चली जाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बच्चों के सैंडल और शूज़, और उसके बाद चलते हैं स्पेंसर और वहाँ से करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग।
तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आज इस पेंसर आई थिंक मुझे लगता है कि अगस्त में मैंने यहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग की थी और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस दौरान इस पेंसर को मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया क्योंकि यहाँ के सामान मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई भी घर के सामान हो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और खाने के जो भी आपको राशन वाले सामान होते हैं वो भी अच्छे ही मिलते हैं और इसके अंदर जो भी स्टाफ है ना वो भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एंट्री करते हैं ना तो डोर पे एक मैम खड़ी होती हैं और वो हमेशा ही सलाम करती हैं और मुस्कुरा के मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके और हमेशा ही बोलती हैं कि बहुत दिनों के बाद आई। तो फ़िलहाल अभी मैंने स्मार्ट बाज़ार से ग्रॉसरी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो काफ़ी टाइम से मैं वहीं जा रही थी लेकिन बीच में मैंने कई बार सोचा यहाँ आने के लिए लेकिन फिर मैं वहीं चली जा रही थी। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा कि मैं यहाँ से भी ग्रॉसरी शॉपिंग करूँ और स्मार्ट बाज़ार से भी करूँ क्योंकि दोनों ही जगह मुझे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे स्पेंसर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ थोड़ा यहाँ पर सामान महंगा होता है लेकिन क्वालिटी मुझे यहाँ की ज़्यादा पसंद आती है। तो आज मुझे क्लेचर बहुत दिखे तो क्लेचर की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी लेकिन मेरे सर में क्लेचर टिकता नहीं है क्योंकि मैं जैसे ही लेटती हूँ और मुझे याद नहीं रहता फिर क्लेचर हमारा टूट जाता है। तो बहुत नॉर्मल सा मैं हेयर बैंड ही यूज़ करती हूँ। तो जब कहीं आप काफ़ी टाइम के बाद जाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको चेंज लगता है। तो आज यहाँ पर सामान की क्वांटिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखी और काफ़ी ज़्यादा मतलब रो में सामान लगे हुए थे। इसके पहले तो थोड़ा सा इनकी जो अलमारी है वो थोड़ा छोटे साइज़ की थी लेकिन अभी थोड़ा बड़ी साइज़ की थी तो सामान की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सामान मिल गए थे। आपको यहाँ पर नारियल पानी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर चिप्स का भी ऑप्शन था। वैसे रमज़ान तो अभी जा रहा है और जो भी मैं चिप्स लाई थी अभी वो बची हुई है तो उसकी नीड नहीं है लेकिन यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ था और ये पता नहीं क्या था मतलब मिर्ची का लग रहा था मुझे समझ नहीं आया वैसे। तो अच्छा वैसे मुझे ना मेयोनीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना उनको यही सारे सॉस मेयोनीज़ यही सब अच्छी लगती हैं और मुझे तो हमेशा ही नेचुरल ही चीज़ें पसंद आई और जो भी मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। ये सारी चीज़ों में पता नहीं क्या क्या चीज़ मिक्स होते हैं और इनको ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए लेकिन बच्चों को बस यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी हुई थी क्योंकि कौन सा फ्लेवर लूँ ये नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि आज अमान भी साथ में नहीं आए थे सिर्फ अमानत आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ना चिली सॉस ढूँढ रही थी सिंगल पीस नहीं मिल रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये टैंग आज मिल गया था और स्मार्ट बाज़ार में मुझे काफ़ी टाइम से वो नहीं मिल रहा था और ये जब घर में होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सहारा होता है क्योंकि जब आप इसको बना के पीते हैं या बच्चों को पिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। और यहाँ पर ये कॉर्नफ्लेक्स भी काफ़ी टाइम से इन लोगों ने चेंज कर दिया इसका फ़्लेवर। जो पहले लेते थे वो ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे अभी ये मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वैसे अच्छा लगता है बच्चों को अगर आप दूध के साथ देते हैं तो उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पर 200 ग्राम वाले पैकेट ढूंढ रही थी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे मिल गए थे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो पहले मैं हर मंथ रेगुलर ले जाती थी लेकिन अभी थोड़ा सा गैप कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये महंगे हो जाते हैं और यहाँ पर कई सारी सीड भी होती हैं और सीड मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई भी सीड हो पम्पकिन की सीड हो या मस्क मेलन की सीड हो या सनफ्लावर की सीड हो तो सीड आपको खानी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग होता है और वैसे भी सेहत के लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए सब कुछ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था और आज मैंने नोटिस किया यहाँ पर जितना भी मैं लिस्ट बना के ले आई थी सब मुझे मिल गया था। शेजवान यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाया था। ये ले जाते हैं आप इस बार ट्राई करें पार्टी एक नंबर के चना भी दे दो। उधर वाला हाँ वॉल देखो नहीं अमान खा खा के रात में। यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम मैंने देखा खुले हुए ड्राई फ्रूट्स का भी ऑप्शन था और मसालों का भी ऑप्शन था तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी थी जो मुझे नहीं समझ आ रही थी। तोड़ के दीजिएगा जरा। हाँ जी।
और ये भी थोड़ा सा दे दीजिएगा 50 ग्राम। टेस्ट करने आपको पर्स। तो ये कितने का है? ये 118 का होगा। ये इंजीर है? नहीं, ये अपिकट्स है। और ये पैन एप्पल ड्राइड नहीं होता है, पैन एप्पल का उसको ड्राई किया, ड्राई किया हुआ है। ये कीवी फ्लेवर एंड ये मैंगो ड्राइड। तो ये वाले ऊपर के रो में जो रखे थे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या है ये, लेकिन ये नॉर्मली आपके फ्रूट्स हैं, बस इसको ड्राई कर दिया गया। और फर्स्ट वाला क्या था वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। क्या ये तो वही हाजमा नहीं होता? अच्छा, वो अनारदाना। ये टॉफीज हैं। ठीक है, अच्छा इधर खुला मसाला। अच्छा, इसका भी ऑप्शन दिया है। ये स्टार नहीं होता है? नहीं, कैसे दे रहे हैं? 10 ग्राम, 37 100 ग्राम, 561 का 100 ग्राम, बहुत थोड़ा थोड़ा चाहिए तब भी समथिंग। 10 ग्राम 20 ग्राम बहुत कम हो जाएगा। पहली बार यहाँ पे खुले में ऑप्शन लगा, मैं काफ़ी टाइम के बाद में आई। इसको वेट कर लेंगे। ये अलग चीज़ मैम, ये भी दीजिएगा, ये जो बगल वाला है पैकेट वाला, इसमें थोड़ा सा 2-3 रुपए का फर्क है। नहीं, काफी फर्क। वो ज्यादा अच्छा। तो इस वाली रो में सब्जियों के भी ऑप्शन है, तो अभी फल और सब्जी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेने जाऊंगी। और अभी चलते हैं इस वाली रो में, तो यहीं से मैं अपने घर के लिए सामान ले जाती हूँ। और काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा। तो जब भी यहाँ पर कोई ऑफ़र आता था मैं आपको बताती थी, और अभी भी बास्केट में काफ़ी अच्छे ऑफ़र थे। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर सामान नज़र आए मुझे, वो थोड़ा सा चेंज ही दिख रहे थे आज, तो सबके प्लेस भी चेंज हो गए थे और स्टाफ भी यहाँ पर चेंज हो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई, तो थोड़ा सा मुझे नया नया लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो आज फाइनली ये चाकू का सेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऐसे चाकू की तलाश में थी, लेकिन थोड़ी सी ये महंगी थी। मैं काफ़ी देर से इसको देख रही थी कि इसका प्राइस क्या है, बहुत देर के बाद मुझे दिखा कि तकरीबन ये 1900 यानी 2000 के करीब थी, तो थोड़ी सी महंगी थी। वेट करेंगे जब ऑफ़र आएगा, तो इंशाल्लाह अगर नसीब में होगा तो इसको लेके जाएंगे। अभी तो किसी चीज़ पे कोई ऑफर नहीं है ना? बड़ा अच्छा लग रहा है। ये किस प्राइस का है? बहुत भारी है। वैसे भी चाहिए नहीं? ये तवा कितने का था? ये वाला? ये ना ऊपर ही नहीं देखा। इसमें भी 60% ऑफ आ रहा है। आप तो 600। अच्छा, काफी सस्ता है। लेने का ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी ऑफर है ना? इसमें ऑफर तवा अच्छा है। ये किस टाइप से? बहुत हैवी न्यू मॉडल में आए, कढ़ाई का भी काम करेगा और इस कुकर का भी काम करेगा। अच्छा, इसका ग्लास का लीड भी रहेगा। ये वाला वो तो महंगा होगा। 3800 आफ्टर डिस्काउंट, बहुत महंगा। पानी लगेगा तो खराब नहीं होगा? अच्छा, ये मुझे लगता है जैसे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए है, मुझे लगा किचन के लिए है।